हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है समीर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचपी 316 इंकटेंट प्रिंटर के बारे में। उसका आज हम फुल ट्यूटोरियल आपको हम बताएंगे, इसे किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से उसे ऑपरेट किया जाता है और किस तरह से उसे रिसेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरे पास यह एचपी 316 मॉडल का इंकटेंट प्रिंटर है, जिसका कि आज हम पूरा ट्यूटोरियल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इसको सबसे पहले यहाँ से हम इसके पावर बटन है, जो कि यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। जिसके अभी ऑन है, इसको पहले ऑफ क्लिक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑफ हो गया है। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले में 0 आ जाएगा। थोड़ा देर के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 आ गया। फ्रेंड्स, ये वाला जो है प्रिंट करने के लिए कमांड है, ये वाला ब्लैक एंड वाइट का है, होता है इससे होता है। ये सेकंड वाला से जो है कलर पर प्रिंट निकलता है, और ये जो है कॉपी पीस है, कितना कॉपी चाहिए उसके लिए है। ये जो है कैंसिलेशन है। फ्रेंड्स, ये जो है मेरा प्रिंटर का स्कैनर है, इसको ऐसे उठाकर यहाँ पर जो है हम कोई पेपर डालते हैं इस तरह से, और ये वाला स्विच को जो है ब्लैक एंड वाइट वाला, ये ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट, नहीं तो कलर चाहिए तो कलर वाला को, जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ से इस साइड से जो है मेरा पेपर निकल आएगा। तो चलिए हम एक प्रिंट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये कार्ड है, इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर रखेंगे सेंटर में, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर PDF का फोटो होना है, यहाँ पर पेज का। तो इस तरह से हम ये वाला जो है ऊपर का साइज हम इस तरह यहाँ रखेंगे, और इसके बाद इसको ढक कर यहाँ से जो है हम ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट, कलर चाहिए तो कलर, यहाँ से हम जैसे दबाएंगे तो यहाँ मेरा ये पेज लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से निकल गया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेज निकल चुका है। तो इसको जो है रख देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंक का लगा हुआ है पोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंक लगता है इसमें, इसके अंदर पहला ब्लैक, दूसरा ब्लू, येलो, पिंक और येलो। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इसका फुल फैक्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि फुल फैक्ट्री इसको कैसे, अगर प्रिंटर में कोई फॉल्ट आता है तो हम इसको फुल फैक्ट्री करते हैं। तो अब उसके बारे में जानते हैं कि इसको फुल फैक्ट्री कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसको जो है ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद पहला, उसके बाद जो है ये ब्लैक वाला, कलर वाला और ये कैंसिलेशन बटन, ये तीनों को एक साथ दबा कर और ये पावर स्विच को जो है हम ऐसे जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे एफ लिखा आता है। तो जैसे ही एफ लिखा हुआ आता है तो फुल फैक्ट्री ऑटो हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा देर छोड़कर हम यहाँ से पावर बटन को फिर से दबाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। थोड़ा देर बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 आ गया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में कोई कमेंट है तो ज़रूर बताइएगा।